सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित बसिया ग्राम के कपड़ा दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा एल्बेस्टर तोड़कर दुकान का सारा सामान चोरी कर लिया गया। घटना के बारे में दुकानदार मोहम्मद निजाम अंसारी ने बताया कि वो अपनी दुकान बंद कर शनिवार देर शाम अपने घर चला गया था। अगले दिन रविवार सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि एल्बेस्टर टूटा हुआ है और दुकान से कई सामान गायब है। दुकानदार के अनुसार करीब 60 से 70 हज़ार रुपये के कपड़े की चोरी चोरों ने कर डाली। घटना की सूचना बालूमाथ पुलिस को दे दी गई। आपको बता दें कि दुकानदार ने 15 दिन पूर्व ही कर्मा पूजा के दिन अपनी दुकान का ओपनिंग किया था। बालूमाथ से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। दुकान किए थे कर्मा उसके समय से, उसने हम रोज रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलते थे, यहाँ सोते भी थे, रात में सोते थे। कल की अगर घटना हुई, कल घटना हुई जब हम 7 बजे बंद किए दुकान, उसके बाद गए खाना खा के आते थे, फिर 8-9 बजे आते थे, फिर यहीं सोते थे। कल हम नहीं आने सके किसी कारणवश, तो फिर सांप निकल गया था, उसके कारण से हम नहीं सोने आए। वही सुबह के देखे तो सुबह तोड़ा हुआ था, करकट तोड़ा हुआ था, और लगभग 70-80 हज़ार का लगभग सामान चोरी हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद निजाम अंसारी।